हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू माय यूट्यूब चैनल ओम श्री टेरेस गार्डन। फ्रेंड्स, आज मैं बात करूंगा बहुत ही खूबसूरत प्लांट के बारे में जिसका नाम है साइनेरिया। देखिए फ्रेंड्स, कितने ब्यूटीफुल फ्लावर हैं इसके, देखिए। और इसकी फ्लावरिंग बात करूं तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही ब्यूटीफुल हैं और ये कई कलर में आते हैं। फ्रेंड्स, मेरे पास इसके 4 कलर हैं, 3 तो इस पॉट में लगे हैं और फ्रेंड्स एक ये इसमें है डबल कलर में। ये देखिए फ्रेंड्स कितने ब्यूटीफुल हैं। फ्रेंड्स ये देखिए, इस छोटे से पॉट में, छोटे से प्लांट में। फ्रेंड्स ये थर्ड कलर है इसका, ये देखिए फ्रेंड्स कितना ब्यूटीफुल है। ये भी ये लाइट पर्पल कलर में है फ्रेंड्स, ये देखिए। और अभी इसमें और भी फ्लावर खिलेंगे फ्रेंड्स। ये देखिए, इसकी छोटी छोटी सी बर्ड्स आती हैं, देखिए कितनी छोटी सी बर्ड्स हैं। और उसके बाद ये एक फ्लावर में चेंज हो जाती हैं। और कितने सुंदर फ्लावर हैं देखिए फ्रेंड्स आप। और फ्रेंड्स ये है इसका फोर्थ कलर, ये स्काई ब्लू कलर में है। देखिए इसका भी एक ही फ्लावर खिला है इस प्लांट में और इसकी ये बर्ड्स हैं अभी तो। फ्रेंड्स ये देखिए, ये एक ही पॉट में ये 3 प्लांट ये लगे हैं और एक वो अलग मैंने आपको दिखा दिया वो डबल कलर में। ये मतलब मेरे पास इसके 4 प्लांट हैं और 4 ही प्लांट अलग अलग 4 और कलर हैं। फ्रेंड्स ये देखिए, देखिए कितनी सारी अभी इसमें कली आ रही हैं और ये फ्लावर में भी चेंज होंगी तो कितना ब्यूटीफुल लगेगा बिल्कुल एक गुच्छे में। ये देखिए इसकी तरह और इसकी तरह। ये देखिए फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स, इसको सुबह या फिर शाम की 2 से 3 घंटे की धूप काफ़ी है। और सर्दियों में तो हम इसे सारे दिन धूप में रखते हैं, पर अब गर्मियाँ आ गई हैं फ्रेंड्स तो इसे सुबह या शाम की 2 से 3 घंटे की धूप काफ़ी है। ज़्यादा धूप से ये प्लांट फिर ख़राब हो जाएगा इसलिए। और ये देखिए फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स अब मैं इस पर बात करूँगा लंबे समय तक फ्लावर लेने की। तो लंबे समय तक फ्लावर लेने के लिए फ्रेंड्स, जो इसके जो डेड फ्लावर होते हैं उन्हें आप पिंच कर दें फ्रेंड्स, जिससे कि उसमें सीड नहीं आएंगे और प्लांट अपनी एनर्जी दूसरे फ्लावर्स को देगा, इससे कि और फ्लावर आए इसमें। ये देखिए फ्रेंड्स, फ्रेंड्स ये देखिए इसमें पूरे गुच्छों में फ्लावर्स आते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इसमें मेरा जो फेवरेट कलर है वो ये है, स्मॉल पॉट में लगा है इस छोटे वाले में, ये मेरा फेवरेट कलर है। देखिए फ्रेंड्स, इसमें अभी 6 या 7 फ्लावर हैं और अभी इसमें बर्ड्स हैं जो कि अब फ्लावर में कुछ महीने चेंज होंगे। ये भी अच्छा लग रहा है फ्रेंड, छोटा सा पॉट है, छोटा सा प्लांट है, उसके हिसाब से काफ़ी है ये। देखिए फ्रेंड्स, तो अब मैं इसकी वाटरिंग की बात करता हूँ फ्रेंड्स। तो उसके लिए आपको हमेशा वाटरिंग में सॉइल चेक करके ही देना है फ्रेंड्स। देखिए अभी तो ये सॉइल थोड़ी सी सूखी है। फ्रेंड्स आज मैं इसमें वाटरिंग करूँगा क्योंकि आज ये सॉइल जो है वो आज ड्राई हो चुकी है इसलिए। फ्रेंड्स इस प्लांट के लिए जो अच्छी फ्लावरिंग के लिए इसमें जो फर्टिलाइजर जरूरी है वो है बनाना पील फर्टिलाइजर। फ्रेंड्स मैं तो वही यूज़ करता हूँ
और मैं उसका भी फ्रंट से सेपरेट वीडियो आपके साथ शेयर करूँगा। ये देखिए फ्रेंड्स, उसका भी मैं आपके साथ वीडियो जब शेयर करूँगा तो आपको उसमें भी भेजूँगा, वो भी वीडियो आपके साथ शेयर कर दूँगा फ्रेंड्स। फ्रेंड्स तो अब इस मेरे फेवरेट कलर पर इस वीडियो को एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।